हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। और करते हैं वीडियो को शुरू ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। अंधा प्रेम, एक सच्ची प्रेम कहानी। अनन्या एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरे के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। अनन्या अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। इससे माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि अनन्या पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। अनन्या ने जब 10वीं का इम्तहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने इसी किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी जिससे अनन्या को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। अनन्या जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की जगह से पूरा हुआ था, इसलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुँच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन अनन्या की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था, स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उससे बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हम उम्र ही था। लड़के ने उससे थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अनन्या को रुकने का इशारा किया। अनन्या उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती, तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारता रहता था। शुरू शुरू में उसे देखकर अनन्या को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से अनन्या घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वह लड़का अनन्या के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है, मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? अनन्या के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जगते हर समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था पर अनन्या ने उसके होठों पर हाथ रख कर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने अनन्या की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अनन्या शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज पैडल चलाते हुए अपने घर को चली गई। इस तरह अनन्या और सुमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। सुमित रोज़ उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कसमें खाता। उसकी बातें सुनकर अनन्या दीवानी होती जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने अनन्या से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो अनन्या ने हल्का सा नानुकुर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन अनन्या बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर सुमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। सुमित ने अनन्या की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और अनन्या को बाइक पर बैठा कर चल पड़ा। सुमित अनन्या को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने अनन्या से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अनन्या पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे से प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए।
कभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी ना हो पाए थे कि तभी ना जाने कहाँ से वहाँ पर तीन लड़के आ गए। उन्हें देखकर अनन्या हक्का वक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। अनन्या ने कातर दृष्टि से सुमित की ओर देखा। वह अनन्या की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर अनन्या का हृदय चित्कार कर उठा, यानी कि वह सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। अनन्या आगे कुछ सोच ही नहीं पाई क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। अनन्या मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उससे नोचते खरोचते रहे। कुछ ही पलों में अनन्या की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग एक घंटे के बाद अनन्या को होश आया। वे तीनों लड़के और सुमित वहाँ से जा चुका था। दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। अनन्या सोचती रही कि क्यों मैंने सुमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई, अब मैं क्या करूँ, लेकर अपने घर क्या मुँह लेकर जाऊँ, अपने माँ बाप को क्या बताऊँगी, मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। अनन्या के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह खिसकती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कल कल करता हुआ तेजी से बह रहा था। अनन्या ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तैर कर रहा था और इसके साथ ही क्रोध खीज और घिन के मिले जुले भावों से उसका शरीर कांपने लगा। अनन्या ने अपने दोस्तों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची कुछ सी ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी की, अपनी आँख बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता के माफ़ी मांग रही, फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही दिन अनन्या नदी में डूबने उतारने लगी, लेकिन अब ना तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना ऐतराज किया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद, और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतवार करना बुरा नहीं, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतवार करने से पहले उसे एक बात जरूर परखिए, किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी जरूर सोचिए, नहीं तो आप भी अनन्या की तरह धोखा खा सकते हैं, आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इसे शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ।